हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के जितने भी डाउट थे आप लोगों के, कि आप लोगों का डिमांड था मास्टर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद रॉ मार्क्स, फाइनल आंसर की नॉर्मलाइजेशन, कितने मार्क्स बढ़े या कितने क्वेश्चन को इग्नोर किया गया, सबका रेलवे ने डाउट अब क्लियर कर दिया है। जो आपका नोटिस जारी किया गया, ऑफिशियल नोटिस, जो 10 तारीख को रॉ मार्क्स, मास्टर क्वेश्चन पेपर, फाइनल आंसर की या कितने क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन में बढ़े, टोटल चीज़ जारी करेगा। रेलवे ने फिर से रिजल्ट आएगी जो 10 मार्च को जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए हम RRB भोपाल के साइट पे चलते हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शनल नोटिस दिखाते हैं। दोस्तों, जैसे ही RRB भोपाल के साइट पे आइएगा तो देखिए नीचे आइएगा, जो रेलवे ग्रुप डी की जो कॉलम बनी हुई थी उसमें, तो देखिए यहाँ पे 9 तारीख की एक अपडेट आई थी, इसको क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इस तरह की एक नोटिस खुलेगी। देखिए, इस तरह की नोटिस खुलेगी जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम का है। तो इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, देखिए, आपका क्वेश्चन पेपर, उसका फाइनल आंसर की स्कोर शीट और उसके पब्लिश लिसिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो आपका जो भी डाउट था सभी डाउट रेलवे ने जारी करेगा। तो इसमें हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, इतना अगर पढ़ते हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं उतना लंबा वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूं। तो आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है कि आपका जो कट ऑफ मार्क्स नॉर्मलाइजेशन इतना आया था जो 4 तारीख को, तो उसका जो अब आएगा 10 तारीख को, यहाँ पर देख सकते हैं, ऑब्जेक्शन टेक द टाइम, सम विल बी पब्लिश थ्रू द लिंक ऑफ द वेबसाइट ऑफ द, इतना 10 तारीख को आएगा आपका, जिसमें से 1.2 करोड़ एपियर्स ऑफ द CBT 1 में एग्जाम हुआ था आपका। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन रॉ मार्क्स, नो नंबर ऑफ क्वेश्चन इग्नोर इफ पब्लिक्स आउट ऑफ 100 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन मार्क्स स्कोर थ्रू कैंडिडेट लॉगिंग, अगर आप लॉगिंग करते हैं तो आपको ये टोटल चीज़ आपको देखेगा, रॉ मार्क्स, क्वेश्चन पेपर्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, कितने इग्नोर किए गए, कितने पे नॉर्मलाइजेशन हुआ, टोटल मार्क देखेगा और कितने बजे से आपको 18 आवर्स, मतलब कि 6 बजे से लेकर 10 तारीख को देखेगा 16 तारीख तक, मतलब 6 बजे आएगा 10 तारीख को और 16 तारीख तक आपका लॉगिन होगा, वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो रेलवे ने फाइनली आप लोगों का जो भी मतलब डिमांड थी वो एक्सेप्ट किया और इन्होंने पूरा चीज़ अब फिर से पब्लिश करने का दिया है। तो दोस्तों, आपसे न्यू खबर है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो डाउट कमेंट में करके मुझसे पूछिए। तो नेक्स्ट अपडेट में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।